तो इस वीडियो में हम लोग ये माजा RX-7 को ड्रिफ्ट कार में कन्वर्ट करेंगे, इसका कस्टमाइजेशन करेंगे एंड इससे ना हम लोग एकदम अच्छा खासा ड्रिफ्टिंग भी करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो यार मैं लेके आया हूँ ये माजा RX-7 एंड आज हम लोग ना इसको ड्रिफ्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, लाइक ड्रिफ्ट बिल्ड में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी ये फुल्ली स्टॉक कंडीशन में है, हम लोग इसे अच्छा खासा ड्रिफ्टिंग करने का मेरा प्लान है। लेट्स सी ये किस वे में वर्क करता है। साउंड तो अमेजिंग आता है यार RX-7, लाइक रोटरी इंजन का जो साउंड है ना अमेजिंग है। इस कार से अच्छा खासा बैकफायर भी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना इसमें हम लोग एंटी लैक ट्यून लगाएंगे, लाइक एंटी लैक टर्बो लगाएंगे तो हम लोग का जो साउंड रहेगा ना और भी अमेजिंग हो जाएगा। इंजन को मैं स्टॉक रखूंगा, रोटरी इंजन ही रखूंगा, बस हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत मॉड्स डालेंगे उसमें ताकि उसका पावर बढ़े। एंड देखो भाई स्टॉक कंडीशन में भी स्लाइड मार लेता है प्रॉपरली, एकदम ड्रिफ्ट तो नहीं होगा ऑब्वियसली यार, इतना लो हॉर्स पावर है ये सारे कार स्टॉक कंडीशन में। बट यस आई थिंक हम लोग इससे ना डोनट तो कर सकते हैं अच्छा खासा। वेट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई। यस परफेक्ट परफेक्ट। ट्रैफिक कार बीच में खड़ा रहता तो हम लोग उसके आगे पीछे तगड़ी कार सकते थे। मैन द साउंड ऑफ दिस कार, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करिएगा यार। ये साउंड सुनने के बाद तो आप लोगों को वीडियो लाइक करना जरूर से बनता है यार। क्या साउंड है डाउन शिफ्टिंग में भी, ये अभी से लाइक डिसेंट वे में ड्रिफ्टिंग कर रहा है तो यार ट्यून करने के बाद कैसा परफॉर्म करेगा। एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको हान की RX-7 में कन्वर्ट करेंगे। दिस वन फास्ट एंड फ्यूरियस में ये यूज हुआ था एक्चुअली, तो यार पता नहीं क्यों वेट कर रहा हूँ मैं, चलते हम लोग सीधे से इसका ट्यूनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपग्रेड्स एंड ट्यूनिंग में आई एम 100% श्योर इसमें अच्छे खासे बॉडी किट अवेलेबल है, सो हम लोग जल्दी से उसी को इंस्टॉल करेंगे। व्हील साइड भी होना चाहिए एंड व्हील साइड नहीं है क्या यार, व्हील साइड होना चाहिए मैन। व्हील साइड, वेयर इज व्हील साइड, प्लीज गिव मी व्हील साइड। आई डोंट थिंक इस गेम में व्हील साइड अवेलेबल, बट बोमैक्स का लगाते हैं बिकॉज थोड़ा सिमिलर है आई थिंक ये। तो यार आई थिंक ये सिमिलर टाइप ऑफ स्पॉइलर हान के कार में है, तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। बाकी पीछे में भी पूरा लाइक बॉडी किट हम लोग का बोमैक्स का ही रहेगा, ये डिसाइड कर लिया मैंने। सी वेस्ट का भी ऑब्वियसली अच्छा है बट हम लोगों ने थोड़ा वाइट बॉडी लाइक इसमें बनाना है सो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाकी आई डोंट थिंक हम लोग को और कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी जल्दी बाकी सारी चीज में अपग्रेड कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट टायर कंपाउंड लगाना है तो वो भी मैं कर लेता हूँ। तो यार आई थिंक ये वाले अलॉय एक्चुअली लाइक इसी टाइप का अलॉय मूवी में था सो हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे। इंजन अपग्रेड का टाइम आ गया, यहाँ पे हम लोग एयर फिल्टर लगाएंगे। लेट्स सी, अभी 297 हॉर्स पावर है ना, ए क्लास का अभी यहाँ पे बिल्ड है तो हम लोग इसको देखते हैं। आई थिंक मैं ना S1 भी ले जा सकता हूँ, अपग्रेड करते हैं पहले तो 500 या 600 हॉर्स पावर तक हम लोग जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे एंटी लॉक टर्बो लगाना बिकॉज ये लेके जा रहा है 443 HP, इसी के आसपास हम लोग को अभी रहना है। एंड 548 हो गया, S1 क्लास बिल्ड हो गया, आई थिंक 499 रखते हैं S1 क्लास में। साउंड लेट्स सी, रेस एग्जॉस्ट का साउंड सुनते हैं। एंटी लॉक टर्बो मैन, ओके यहाँ पे स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, रेस एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड है तो हम लोग रेस एग्जॉस्ट ही इंस्टॉल करते हैं। कितना हुआ अभी यहाँ पे हम लोग का 538 HP हो गया है, तो यहाँ पे अभी 543 something HP हम लोग को मिल रहा है। आई थिंक ये इनफ रहेगा ड्रिफ्टिंग के लिए, मेरे ख्याल से S1 बिल्ड हो गया है। अब हम लोग इसको लाइक लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत टेस्टिंग करूँगा मैं, ट्यूनिंग करूँगा, फिर आप लोग को मिलता हूँ। तो गाइस यार मैंने ना इसको फुल्ली अपग्रेड कर लिया है, फुल्ली ट्यून कर लिया है एक ड्रिफ्ट बिल्ड में। आई थिंक अभी अच्छा खासा ड्रिफ्टिंग करना चाहिए, मैंने जितना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया अभी यहाँ पे लाइक गियर ट्यूनिंग के लिए अच्छा खासा ड्रिफ्ट कर रहा है सो आई डोंट थिंक हम लोग को और कुछ की जरूरत है। ये जो कार है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, अभी हम लोगों ने इसमें ना पेंट जॉब भी लगा दिया है, जो हान की RX-7 का जो पेंट जॉब है बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है यार पेंट जॉब के बाद। लाइक इंटीरियर में हम लोग का रेड सीट है, बहुत अमेजिंग। एलॉयज भी आई थिंक सही लगाया है मैंने बिकॉज मैंने फोटोज देखा एंड लाइक बहुत क्लोज टू दैट हांस RX-7 ये कार मैंने बिल्ड किया है तो दिस इज अमेजिंग। लेट्स गो, इसको ड्रिफ्टिंग करते हैं। आज मैं माउंटेन में तो ड्रिफ्ट नहीं करूंगा, आज हम लोग इसको ड्रिफ्ट करेंगे सिटी में, जो कि फोर्जा रेजन 5 का एक मेक्सिको सिटी है छोटा सा, वहाँ पे हम लोग इसको ड्रिफ्टिंग के लिए ले चलते हैं। तो गाइस हियर वी आर, हम लोग यहाँ पे सिटी में आ गए हैं, बहुत छोटा सा सिटी है, बहुत नैरो रोड है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो बिकॉज यार अभी भी मेरा जो ड्रिफ्टिंग है लाइक मैं इम्प्रूव ही कर रहा हूँ डे बाई डे। लेट्स सी यार किस वे में परफॉर्म करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड रियर एंड हुआ थोड़ा बहुत, यहाँ पे लेफ्ट टैप चलते रहता है वैसा।
अच्छा 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 ड्रिफ्ट कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा ड्रिफ्ट कर रहा है ये। देखो परफेक्टली हैंडल हो रहा है, लाइक इसका जो बॉडी वेट से बॉडी वेट ट्रांसफर होता है ना वो अमेजिंग हो रहा है इस कार में। ओ टकराना नहीं है, यस। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं हैंड ब्रेक कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेरा हैंड ब्रेक है ना इसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट हुआ है, लाइक इसका वायर टूट गया है। आप लोगों ने देखा होगा यार वीडियो सुपरा का, यहाँ पे मैंने ड्रिफ्टिंग किया था उसमें हम लोग का वायर टूट गया था हैंड ब्रेक का, तो अभी मेरे को इसको रिपेयर करना है। तो फिलहाल के तो अभी मैं अपना बटन यूज़ कर रहा हूँ जो स्टेयरिंग व्हील में अवेलेबल है। थर्ड गियर इज परफेक्ट इन दिस कार फॉर ड्रिफ्टिंग, आई थिंक परफेक्ट ड्रिफ्ट हो रहा है यार, एकदम परफेक्ट ड्रिफ्ट हो रहा है। भाई भाई टकराना नहीं है बस। साउंड टनल में जो साउंड आ रहा है बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी साउंड है यार इस कार में अभी। हाँ थोड़ा और ट्यूनिंग लाइक परफेक्ट हो सकता है स्टिल, लाइक अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए ड्रिफ्टिंग करने के लिए तो परफेक्ट है ये। मैंने खुद से किया है यहाँ पे, मैंने कोई भी ट्यून डाउनलोड नहीं किया है, तो यार थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन तो रहेगा बिकॉज अभी ये गेम में जो ट्यूनिंग है ना वो भी मेरे को सीखना है बहुत ज़्यादा अभी। ओके एंट्री था ये, लाइक मैं उधर से लेना चाहता था बट थोड़ा आउटर से ले गया। यहाँ पे सर्कल है एंड यहाँ पे डोनट मारता है। वेट अ सेकेंड, थर्ड गियर में ट्राई करते हैं बिकॉज थोड़ा रेड लाइन जा रहा है। यस ओके, आई डोंट थिंक हमें इतना परफेक्शन आया है इस कार में कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से डोनट मार पाए। स्टिल लाइक ये ना एक स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग के लिए तो बेस्ट है। आप लोगों को इसका साउंड कैसा लग रहा है यार कमेंट करके जरूर से बताना। यार फोर्जा में ना जो फर्स्ट पर्सन कैमरा है ना वो थोड़ा वियर्ड लगता है मेरे को, आई डोंट नो व्हाई। एसेटो कोर्सा का ही बहुत ज़्यादा हैबिट है फर्स्ट पर्सन में, फोर्जा में मेरे को थर्ड पर्सन में ड्रिफ्टिंग करते बनता है एंड एसेटो में जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे एसेटो में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन में बनता है मेरे को। तो यार नाइस नाइस बोलते ही यहाँ पे हम लोग फुटपाथ पे चले गए, सलमान भाई का इंस्पिरेशन है यार। अड्डा फोर्ड ब्रोंको वेट अ सेकंड, यहाँ पे अंदर में चलते हैं बिकॉज आई रिमेम्बर एक फाउंटेन है यहाँ पे जहाँ पे अच्छा खासा ड्रिफ्टिंग कर रहा था मैं। यस ये रहा, लेट्स गेट क्लोज टू द फाउंटेन, और क्लोज चढ़ा देते हैं हम लोग ना यहाँ पे जो अपना लेफ्ट व्हील है ना उसको ऊपर चढ़ाते हैं। हाँ चढ़ा था, ओ मैन आई थिंक ज्यादा ही एलिवेशन है वहां पे तो दिक्कत देगा। यस क्रेजी है यार ये कार, एक और है यहाँ पे चलते हैं। टकरा गया, ये पार्क एरिया ना बहुत ज्यादा नैरो है, हम लोग की जो RX-7 है यार बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा वाइड है यार ये वाली कार। बट दिस वॉज एक्चुअली अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी बिकॉज बहुत ही अमेजिंग ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हुआ है। यार अगर आप लोग भी फोर्जा खेलते हैं ना आप लोग कौन से कार से ड्रिफ्ट करते हो मेरे को ये बताना जरूर से, एंड अगर आप लोग कोई डिफरेंट कार के साथ ड्रिफ्टिंग देखना चाह रहे हो ना
मेरे को करते हुए, वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। यहाँ से जंप ड्रिफ्ट, रिवर्स, थोड़ा सा बच गया। ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, आपको पता है यहाँ पे दिक्कत देगा, नीचे ही चला जाए। यार क्या परफेक्ट ड्रिफ्ट हो गया है यहाँ पे इस कार से। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे ये पूरा ही सक्सेस था। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को इस कार को ड्रिफ्ट करने में। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, यार RX-7 को ड्रिफ्टिंग देखने में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना, इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। चैनल में नया ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा, ताकि आगे नया जब भी एक वीडियो लाएं आप लोग उसको मिस ना करें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।